देवताओं के गुरु बृहस्पति की स्थिति में परिवर्तन काफी अहम माना जाता है। इस समय गुरु अपनी स्वराशि मेष राशि में विराजमान है। वहीं साल के अंत में यानी 31 दिसंबर को गुरु बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होने वाले हैं। गुरु के अपनी राशि में सीधी चाल चलने से कई राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती है। नया साल 2024 परिवार के साथ अच्छा बीतेगा। धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। संतान की ओर से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आइए जानते हैं गुरु बृहस्पति के सीधी चाल चलने से किन राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है। ज्योतिष आचार्य जी, गुरु कब मार्गी होने जा रहे हैं और किस राशि में मार्गी होंगे, इससे किन राशियों के ऊपर सकारात्मक लाभ पहुंचने वाला है? जय बाबा वैद्यनाथ। गुरु महाराज मेष राशि पर ही 31 दिसंबर से मार्गी होने जा रहे हैं और जब मार्गी हो जाएंगे तो इससे चार राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। चार राशि वाले का कैरियर, कारोबार, नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। गुरुदेव की कृपा विशेष रूप से होने जा रही है। उसमें चार राशि वाले हैं। सबसे पहली राशि कर्क, दूसरी राशि मकर और तीसरी राशि कुंभ, चौथी राशि मीन। ये चार राशि वाले के ऊपर विशेष रूप से गुरु महाराज का कृपा होगा, ध्यान होगा। इसलिए ये चार राशि वाले 31 दिसंबर का इंतजार करें और नौकरी करने वाले नौकरी की तैयारी में लग जाएं, व्यवसाय करने वाले अपने व्यवसाय को बढ़ाएं और इसमें चार राशि वालों के का मान सम्मान भी बढ़ने वाला है।